नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राज्य शासन एवं अशोकनगर कलेक्टर द्वारा अशोकनगर जिले में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके मद्देनजर जिले को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाली चेकपोस्ट राजघाट पर सघन चेकिंग अभियान एवं थर्मल स्क्रीनिंग जांच के बाद केवल आवश्यक लोगों को ही सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है और लॉकडाउन का पूर्ण पालन करने की सलाह दी जा रही है। चंदेरी में भी आदेश अनुसार SDM देवेंद्र सिंह, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सदर पटवारी द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। बाजार की खुली दुकानों को सील किया गया। सबसे व्यस्ततम चौराहा दिल्ली दरवाजा पर बगैर मास्क लगाए लोगों पर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई और लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी गई। बाहर से आने जाने वालों पर रोक लगाई गई। जिले की सीमाओं को चाक चौबंद किया गया और बाहर से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। बगैर परमिशन के जिले में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, जिससे कि कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। चेकपोस्ट पर आने जाने वालों को पुलिस कर रही है पूछताछ, जिसमें राजघाट की चौकी पर पदस्थ नवल किशोर शर्मा अपने स्टाफ के साथ और थर्मल स्क्रीनिंग में CHC चंदेरी जयपाल सिसोदिया स्टाफ के साथ मौजूद थे।